नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज मीट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे का और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, लेट डी बी ए फंक्शन ऑफ आर स्केयर क्रॉस आर स्केयर, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर स्केयर टू आर, सच दैट आर स्केयर के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आर स्केयर क्रॉस आर स्केयर टू आर फंक्शन है डी एक्स वन एक्स टू, डी एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, क्योंकि इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर है और इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू, और यहाँ पर क्या है, वाई वन वाई टू, ठीक है ना। दोनों क्योंकि सेम सेट है तो एक्स वन वाई वन और वाई वन वाई टू, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू का ऑर्डर्ड पेयर जो है ये आर स्केयर से ही होंगे। तो क्या 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 डिफाइन कर रखा है, ये एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू, वेयर एक्स वन वाई एक्स टू वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू आर स्केयर। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे, ए पार्ट को क्या प्रूव कर देंगे, ये क्या है, मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट एक्स ले लिया भाई हमने, एक्स वन एक्स टू, वाई ले लिया वाई वन वाई टू, ठीक है ना। तो क्या प्रूव करना है आपने, डी एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या दिखाना आपने, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्केयर, ये आपको दिखाना है, ठीक है, अभी दिखाया नहीं। तो क्या है, देखो यहाँ पर एक्स वन माइनस वाई वन, यानी क्या ले लिया, एक्स वन माइनस वाई वन का मॉड, ठीक है ना, क्योंकि डी एक्स वाई क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू आपको क्या दिखाना है, जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कैसे दिखाएंगे, जीरो एक्स वन माइनस वाई वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी है, मॉडुलस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो एक्स टू माइनस वाई टू का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो देयर सम, देयर सम एक्स वन माइनस y1 प्लस एक्स टू माइनस वाई टू आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू आर स्केयर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स वन वाई वन ग्रेटर देन जीरो है इसका मॉडुलस क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस आल्सो एक्स टू माइनस वाई टू का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो देयर सम एक्स वन माइनस वाई वन का मॉडुलस प्लस एक्स टू माइनस वाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो इसका मतलब क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्केयर, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट एक्स क्या है, एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन वाई टू, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है, ये कब इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से बच्चों, अगर भाई एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये कब जीरो आएगा, जब ये अलग अलग एक्स वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स टू माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स वन माइनस वाई वन इजक्ल टू जीरो और एक्स टू माइनस वाई टू इजक्ल टू जीरो। अरे ये मॉडुलस क्वांटिटी जीरो कब आती है, क्योंकि जीरो का मोड ही जीरो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स वन माइनस वाई वन इजक्ल टू जीरो एंड एक्स टू माइनस वाई टू इजक्ल टू जीरो, एक्स वन इजक्ल टू वाई वन एक्स टू इजक्ल टू y2, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, दोनों जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 वन यानी कि दो, हाँ एक्स वन वाई वन राइट, एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू
वाई वन वाई टू, ठीक है ना। यहाँ से क्या इम्प्लाइज आया, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन इजिकल टू एक्स टू और वाई वन इजिकल टू वाई टू, क्योंकि दोनों क्या हैं जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इजिकल टू वाई आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, एक्स इजिकल टू वाई इफ एंड ओनली, ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली क्या, एक्स वन एक्स टू इजिकल टू वाई वन वाई, ठीक है ना, एक्स इजिकल टू वाई। तो अब क्या आएगा यहाँ से, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वन इजिकल टू वाई वन, एक्स टू इजिकल टू वाई टू, ठीक है ना। जानते हो दो दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनके फर्स्ट इंट्री और सेकंड इंट्री क्या होती है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होती हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स वन माइनस वाई वन इजिकल टू जीरो और एक्स टू माइनस वाई टू इजिकल टू जीरो, ठीक है ना। तो इनका मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस वाई वन इजिकल टू जीरो और एक्स टू माइनस वाई टू इजिकल टू जीरो, इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से क्या आएगा, डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो, ठीक है ना। इफ एंड ओनली का केस चल रहा है, एक्स इजिकल टू वाई है तो एक्स वन एक्स टू इजिकल टू वाई वन वाई टू, क्योंकि ये ले ही रखे हैं हमने इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, एक्स वन इजिकल टू वाई वन और एक्स टू इजिकल टू वाई टू, ये आप जानते हो। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल टू जीरो, एक्स टू माइनस वाई टू इजिकल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो इनका मॉडुलस भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का मॉडुलस अगर जीरो होता है, इन दोनों का सम भी क्या आएगा, जीरो होगा। ये किसकी डेफिनेशन है, डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो। तो क्या लिया हमने, एक्स इजिकल टू वाई इफ एंड ओनली डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो। ऐसे ही ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इफ एंड ओनली का मतलब ये है तो ये है, ये है तो ये है, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई इजिकल टू एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस वाई टू। क्या पढ़ेंगे, यहाँ से माइनस को ले लिया, वाई वन माइनस एक्स वन का मोड प्लस वाई टू माइनस एक्स टू का मोड, ये क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाता है इसके अंदर, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो वाई वन माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस एक्स टू, ये किसकी डेफिनेशन आ गई, डी वाई एक्स, डी वाई एक्स, राइट। क्योंकि डी एक्स यानी कि एक्स यहाँ पर एक्स पहले है, ठीक है ना, एक्स टू पहले है, यहाँ वाई दूसरे नंबर पर है, तो वाई वन और वाई टू दूसरे नंबर पर है, तो डी वाई एक्स आ गया यहाँ से, समझ में आई बात है, ओके। अब थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी डी एक्स वाई क्या है, एक्स वन माइनस वाई वन मॉड प्लस एक्स टू माइनस वाई टू। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये ले लिया एक्स इजिकल टू एक्स वन वाई वन, y क्या ले लिया, y1 y2, और z क्या ले लिया हमने, z1 z2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर z x1 z1 घटा दिया, z1 जोड़ दिया, ठीक है, प्लस x2 माइनस z2, z2 जोड़ दिया, z2 घटा दिया, माइनस y2। यहाँ से क्या जाएगा, ए प्लस बी एक्स वन माइनस जेड वन प्लस लेस देन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है ना, अलग अलग कर रहे हैं, जेड वन माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस जेड टू, जेड टू माइनस वाई टू, राइट। ये आप जानते हो ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मोड ए प्लस मोड बी, ठीक है ना। यहाँ से फार्मूला लगा दिया, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो इक्वल टू एक्स वन माइनस जेड वन प्लस एक्स टू माइनस जेड टू प्लस जेड वन माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस वाई टू। तो इतने का मतलब क्या हो गया बच्चों, डी एक्स जेड, इतने का मतलब क्या हो गया, डी वाई जेड, सॉरी डी जेड
y, ठीक है ना। यहाँ देखो x1 पहले है तो x, z1 और z2 बाद में है तो d x z, प्लस यहाँ z1 z2 पहले है तो z और y1 y2 बाद में है तो z y, तो डी एक्स वाई यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अब सेकंड पार्ट करते हैं। लेट एक्स इजिकल टू एक्स वन एक्स टू वाई इजिकल टू वाई वन वाई टू, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई टू, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई क्लियरली डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सिंस, ठीक है ना, सिंस मॉडुलस क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, ओके। तो डी एक्स वाई यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई इजिकल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वन, डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो लेंगे इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई टू इजिकल टू जीरो। अब देखो इन दोनों का मैक्सिमम अगर जीरो है तो ये अलग अलग क्वांटिटी दोनों की दोनों जीरो होंगी, क्योंकि एक तो एक माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, मॉडुलस क्वांटिटी है। मॉडुलस क्वांटिटी हमेशा क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि दोनों जीरो होंगी, क्योंकि मैक्सिमम क्या है इन दोनों का, जीरो। नेगेटिव तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स वन माइनस वाई वन इजिकल टू जीरो और एक्स टू माइनस y2 इजिकल टू जीरो, और मॉडुलस किसी क्वांटिटी का जीरो आता है तो वो जीरो का ही होता है, यानी कि जीरो का मोड इजिकल टू जीरो, जीरो का मोड इजिकल टू जीरो। तो इसका मतलब x1 माइनस y1 इजिकल टू जीरो, x2 माइनस y2 इजिकल टू जीरो। इसका मतलब क्या आ गया, x1 इजिकल टू y1, राइट, यानी ऐसे क्या आ गया, x2 इजिकल टू y2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, x1 वन इजिकल टू एक्स टू, ठीक है ना, और y1 वन इजिकल टू यानी y1 और y2, राइट। ये कब पॉसिबल है, जब x1 वन इजिकल टू वाई वन और x2 टू इजिकल टू वाई टू, तब देखो जब ये x1 वन एक्स टू इजिकल टू वाई वन वाई टू के इक्वल हो, क्यों, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट इंट्री के इक्वल हो, सेकंड इंट्री के। देखो एक्स वन इजिकल टू वाई वन और एक्स टू इजिकल टू वाई टू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स इजिकल टू वाई, ठीक है ना। क्या लेके चले थे हम, डी एक्स वाई इजिकल टू जीरो लेके चले, क्या आ गया, एक्स इजिकल टू वाई आ गया, ठीक है ना। अगर एक्स इजिकल टू वाई लेंगे तो बिल्कुल ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, ओके। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, डी एक्स वाई इजिकल टू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई टू, ठीक है ना, इजिकल टू मैक्सिमम ऑफ, ये आप जानते हो वाई वन माइनस में एक्स वन और वाई टू माइनस में एक्स टू, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल होती है। मॉडुलस के अंदर आप आगे पीछे कर सकते हो, यानी नेगेटिव को मिलने के पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है ना, वाई वन माइनस एक्स वन और एक्स वाई टू माइनस एक्स टू, यानी ए माइनस बी का मोड क्या होता है, बी माइनस ए का मोड होता है, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ से तो यहाँ से क्या आ गया, ये क्या आ गया, डी वाई एक्स, यानी मैक्सिमम ऑफ वाई वन माइनस एक्स वन का मॉडुलस वाई टू माइनस एक्स टू का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई एक्स, राइट। अब चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, लेट एक्स इजिकल टू
एक्स वन एक्स टू वाई इजल टू वाई वन वाई टू एंड जेड इजल टू जेड वन जेड टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर स्केयर। तो यहां से लेते हैं, देखो कैसे, एक्स वन माइनस ए जेड वन, एक्स वन माइनस ए जेड वन लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस ए जेड वन, ठीक है ना, और क्या लेंगे यहां से एक्स टू माइनस ए जेड टू, राइट। अरे ये क्या है, यहां से क्या आएगा, ये लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू क्या है ये बताओ, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, ठीक है ना, एक्स वन माइनस जेड वन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू आएगा, अगर यही है तो इक्वल टू आएगा, अदरवाइज ये मैक्सिमम है तो लेस देन आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्या आएगा बताओ, जेड वन माइनस ए वाई वन, जेड वन माइनस ए वाई वन, ठीक है ना, तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से मैक्सिमम ऑफ जेड वन माइनस ए वाई वन का मोड और जेड टू माइनस ए वाई टू, ठीक है ना। तो ये किसका बन गया, डी जेड ए वाई, क्यों, अगर जेड वन माइनस वाई वन अगर इसके इक्वल है तो इक्वल टू आ जाएगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन है ही है। समझ में आएगी बात बच्चों, अब इन दोनों का क्या कर दो सम, तो क्या करेंगे, एक्स वन माइनस ए जेड वन प्लस ए जेड वन माइनस ए वाई वन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम क्या, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस ए डी जेड वाई, डी जेड वाई, यहाँ से ये चीज निकल गया आगे। समझ में आई बात बच्चों, ओके। तो देखो यहाँ से अब क्या निकालना हमें, तो यहाँ से ये आ गया, तो देखो आल्सो एक्स वन माइनस ए वाई वन क्या होता है, देखो इसमें क्या कर दो, एक्स वन माइनस में जेड वन घटा दो, जेड वन जोड़ दो, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस ए जेड वन प्लस जेड वन माइनस ए वाई वन, और ये किससे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो एक्स वन माइनस वाई वन लेस देन इक्वल टू किससे आ गए, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली एक्स टू माइनस वाई टू, इसको भी ऐसे ले आएंगे कैसे, एक्स टू माइनस वाई टू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब देखो एक्स वन माइनस वाई वन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या रहा है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, एक्स टू माइनस वाई टू किससे लेस देन आ रहा है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब ये एक्स वन माइनस वाई वन का मॉडुलस भी डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से लेस देन इक्वल टू आ रहा है, एक्स टू माइनस वाई टू का मॉडुलस भी लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो इन दोनों का मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम भी क्या आएगा, एक्स टू माइनस वाई टू, ठीक है ना। तो इन दोनों, अगर ये दोनों अलग अलग लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आ रहे हैं, तो इन दोनों का अलग अलग, ठीक है ना, इन दोनों का मैक्सिमम भी क्या आएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आएगा। क्यों, अगर ये दोनों अलग अलग क्या आ रहे हैं, एक्स वन माइनस वाई वन का मॉडुलस भी किससे लेस देन इक्वल टू आ रहा है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, एक्स टू माइनस वाई टू का मॉडुलस भी क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो इन दोनों का मैक्सिमम भी क्या आएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से लेस देन और इक्वल टू आएगा। इसका मतलब क्या है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है ना। दिस कंप्लीट द प्रूफ, ये
चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स स्पेस है।